अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मच्छी बिरयानी। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। मैंने दो हलवा मच्छी को साफ कर कर रख दी हूँ। इसमें हम अभी कट लगाएंगे। कट लगाने से मच्छी में मसाला अच्छे से जाता है अंदर तक के। हमें मच्छी को दोनों तरफ से कट लगाना है। मच्छी में कट लगाकर हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और डालेंगे एक चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, पाव चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से। मसाले को अब हम अच्छे से मच्छी में लगा लेंगे। मच्छी में देखिए मसाला अच्छे से लग चुका है। अभी हम 15 मिनट के लिए मैरिनेट के लिए इसको रख देंगे। मच्छी को 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए फ्राई पैन में मैंने तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दी हूँ। तेल गर्म हो चुका है, अभी हम मच्छी फ्राई कर लेंगे। मच्छी को हमें धीमी आंच से ही फ्राई करना है ताकि हमारी मच्छी अच्छे से फ्राई हो। मच्छी देखिए हमारी नीचे से अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अभी हम इसे पलट लेंगे। देखिए मच्छी हमारे दोनों तरफ से फ्राई हो चुकी है। अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। दूसरी मच्छी को भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे। देखिए हमारी दोनों मच्छी फ्राई हो चुकी है। अभी हम बिरयानी का मसाला बनाएंगे। उसी तेल में अभी हम डालेंगे एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, दो छोटी इलायची और तीन लौंग। इसे हम 2 मिनट के लिए भूनेंगे। दो मिनट भुनने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे दो बारीक पीसे हुए टमाटर। और इसको अच्छे से हम 5 मिनट के लिए भुनेंगे ताकि हमारा टमाटर जो है अच्छे से पक जाए। टमाटर 5 मिनट पकाने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, पाव चम्मच हल्दी पाउडर। इन सारी चीज़ को हम 5 मिनट के लिए और भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही और डालेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर। नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से। सिर्फ हमें मसाले के इतना ही नमक डालना है। अब इन सारी चीज़ को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। दही और मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे बिरिस्ता। ये मैंने 2 प्याज का बिरिस्ता बनाई हूँ, वो हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा बचा कर रखेंगे ऊपर से डालने के लिए। अब इन सारी चीज़ को हम 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए 2-3 मिनट है ये मसाला पक चुका है। अभी हम इसे उतार कर चावल का पानी रख देंगे। गैस पे देखिए मैंने पानी रख दी हूँ। अभी हम इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 10 से 15 काली मिरी और 1 चम्मच जीरा। और हम पानी को उबाल आने देंगे। पानी में देखिए उबाल आ चुका है। अभी हम चावल डालेंगे। ये मैंने 1/2 किलो बासमती चावल ली हूँ, उसको मैंने 1/2 घंटे के लिए भिगा कर रख दी थी धोकर। अभी हम इसमें पानी में डाल देंगे।
नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से। मसाले में भी हमारे नमक था, अभी हम सिर्फ चावल के बराबर डालेंगे। चावल को हमें अभी एक कनी कच्ची रहने तक के ही पकाना है। देखिए हमारे चावल 95% गल चुके हैं, हमें इतना ही गलाना है चावल को। अभी हम इसे छन्नी में छान लेंगे। अगर चिकन की बिरयानी होती तो हमें 85% पकाना था चावल, हमें इसे बिल्कुल नहीं पकाना है, सिर्फ दम लगाना है, इसीलिए हमें 95% तक हम चावल को पकाना है। देखिए चावल छानकर हो चुके हैं, अभी हम इसे दम को लगाएंगे। देखिए गैस बंद है हमारा, सबसे पहले हम डेगची में चावल डालेंगे। सारी तरफ हमें चावल डालना है, आधा चावल हम डालेंगे, आधा चावल हम बाद में डालेंगे। चावल डालने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे केसरी फूड कलर। और डालेंगे एक चम्मच घी, थोड़ा सा बिरिस्ता, थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर। अभी हम मसाला डालेंगे। जितना हमने मसाला बनाए थे सब हम चावल में डाल देंगे। मसाले को हम अच्छे से चारों तरफ लगाएंगे। मसाला चारों तरफ रखने के बाद अभी हम इसमें एक मच्छी रख देंगे। अभी हम इसके ऊपर बचे हुए चावल को डाल देंगे। सेम उसी तरह हम अभी फूड कलर डालेंगे और घी डालेंगे, बिरिस्ता डालेंगे और दूसरी मच्छी हम इसको रख देंगे और थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल देंगे। अभी हम गैस को चालू कर इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इस सुराख में हम एक लौंग को रख देंगे ताकि अंदर की भाप बाहर न आए, और हम इसे 10 मिनट के लिए दम को लगा देंगे। देखिए दम लगाकर 10 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसे चेक करेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारे चावल कितने अच्छे से दम हो गए हैं। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। माशाल्लाह देखिए मच्छी बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना मच्छी बिरयानी कैसे बनी। अल्लाह हाफिज़।